नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई किस मामले में की गई है वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों जितने भी बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको हाईकोर्ट की ओर से अयोग्य करार कर दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी हड़कंप मचा था। शिक्षकों का कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हालांकि अब इस मामले में शिक्षा विभाग की ओर से ब्यौरा मांगा गया है कि आखिर किस जिले में कितने 1-5 के जो टीचर हैं वो बीएड वाले हैं, और इसका रिपोर्ट जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से मांगा गया है। इस नोटिस में भी आप देख सकते होंगे, ये नोटिस जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो बिहार के मधेपुरा जिला की है, जहां पे छठे चरण शिक्षक नियोजन इकाई कक्षा 1-5 के अंतर्गत नियुक्त बीएड योग्यताधारी की जो है सूची समर्पित करने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस नोटिस को जारी किया गया है। जिस नोटिस में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा गया है कि जितने भी प्राइमरी टीचर हैं जो कि बीएड, जिनके पास बीएड की डिग्री है, उन लोगों की सूची मांगी गई है। अगला नोटिस जो आप देख पा रहे होंगे वो बिहार के अररिया ज़िले से है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भी यही मामला है कि जितने भी शिक्षक जो है वो प्राइमरी शिक्षक अगर बीएड डिग्री वाले हैं तो उनका ब्यौरा मांगा गया है कि आखिर इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, हाईकोर्ट का जो आदेश आया कि ये लोग अयोग्य हैं, इसके बाद शिक्षा विभाग भी अब कार्रवाई कर रही है। इसके अगला नोटिस आपको दिखा दें तो बिहार के सीतामढ़ी ज़िले की है, जहाँ से जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नोटिस जारी किया है और साफ तौर पर उसमें लिखा गया है कि जितने भी 1-5 प्राथमिक मध्य विद्यालय में बीएड योग्यता के आधार पर चयनित शिक्षकों की सूची की आवश्यकता है। आपको निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर 1-5 में बीएड योग्यता के आधार पे चयनित शिक्षकों की सूची विद्यालय के नाम सहित जो है कार्यालय में निश्चित रूप से जमा करने का सुनिश्चित करें। तो देखिए, कार्रवाई हो रही है और बड़ी कार्रवाई हो रही है, और ऐसे शिक्षक जो हैं बिहार में 22,000 हैं। छठे चरण की जो बहाली हुई थी और उनमें जो 1-5 के जो शिक्षक थे जो कि बीएड किए हुए थे, और उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पिछले दिनों हाईकोर्ट की ओर से इन्हें अयोग्य करार कर दिया गया, जिसके बाद अब जिलावार जो है इन लोगों का ब्यौरा मांगा जा रहा है कि आखिर किस जिले में कितने जो है प्राइमरी टीचर जो बीएड डिग्री वाले हैं उनका ब्यौरा मांगा जा रहा है, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इस आदेश को दिया गया, जिस नोटिस में आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।